नमस्कार, आप देख रहे हैं नैना मंडल खबर विनोद से। घने कोहरे के चलते दो रोडवेज बस आपस में टकराने से दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के दिल्ली पौड़ी नेशनल मार्ग पर बिजनौर पब्लिक स्कूल के सामने घने कोहरे के चलते दो रोडवेज बस आपस में टकरा गई। टक्कर लगते ही उत्तराखंड डेपो की बस में भयंकर आग लग गई। आग लगने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य लोग हादसे में चोटिल हो गए। सूचना पर जिला प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानम में डीएम रमाकांत पांडे, एसपी धर्मवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर सभी को बसों से बाहर निकलवाया और उपचार के लिए भिजवाया। डीएम रमाकांत पांडे ने बताया कि घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है, सभी यात्री खतरे से बाहर हैं और सभी को उपचार के लिए भिजवा दिया गया है। यातायात संबंधी कोई समस्या नहीं है, यातायात पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है। भिड़ंत हुई है, किस कारण और अब क्या कार्रवाई की जा रही है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोहरा है। सवेरे करीब 8:15 बजे कोटद्वार डिपो की एक बस और दरभंगा डिपो की एक बस की आमने सामने इनमें टक्कर हुई है और इसमें एक बस में आग लगी है। तो तुरंत इसमें रेस्क्यू टीम पहुंची है और आग तुरंत बुझा भी दी गई। इसमें 9 लोग सामान्य रूप से झुलसे हैं, जिनको 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में और 7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचाए गए। पुलिस की टीम, कप्तान साहब और हम सब लोग यहां पर मौजूद हैं। हमारी एम्बुलेंसेस तुरंत पहुंच गई थी। ये जो एक्सीडेंट है, मोटे तौर पर लगता है कि आमने सामने कोहरे की वजह से हुआ है। आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा घना कोहरा है और बसें हटा दी गई, ट्रैफिक नॉर्मल कर दिया गया। अच्छा, यहाँ कोई सीट का बच्चा था इन बसों के अंदर? देखिए, एग्जाम एक चल रहा है, सेंटर है यहाँ पड़ोस में, लेकिन उन बच्चों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ध्यान से कोई मतलब